वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज से हम अपने लेक्चर वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक होने वाला है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के ऊपर। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम रसायन विज्ञान की शुरुआत करने ही जा रहे हैं तो चलिए हम जान भी लेते हैं कि रसायन विज्ञान कहाँ किसे जाता है, आखिर में रसायन होता क्या है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे विज्ञान हैं, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे आप जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, आप भौतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, आप अलग अलग तरह के विज्ञान बहुत सारे जो अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हैं उसी में से एक हमारा आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान वैसे तो देखा जाए किसी भी पदार्थ के अंदर उसके संरचना, संगठन, गुणधर्म एवं उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन है। रसायन विज्ञान को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए किसी पदार्थ के आंतरिक विज्ञान को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर हम, मेरे पास ये मार्कर है, तो अगर मार्कर अगर हम बाहर से देखेंगे तो कहेंगे बाहर से ठोस है, काला दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहा है, ये इसके अंदर स्याही भरा होगा, तो ये अन्य चीज़ें इसकी भौतिक अवस्था है। अगर आप इसके अंदर की बात करने लगें कि आखिर ये किससे बना है, तो प्लास्टिक से बना है, तो ये प्लास्टिक किससे बना है, तो आ गई ना मालिक्यूलर स्तर वाली बात। यानी कि अगर आप मालिक्यूलर स्तर पर किसी पदार्थ के संगठन की बात करते हैं तो वो केमिस्ट्री है। अभी जो इसके अंदर स्याही भरा जा रहा है वो क्या है, बाहर से देखने पर काला है तो उसकी भौतिक अवस्था है, लेकिन बना किससे है, बात यही आती है ना, बना किससे है, तो जिससे बना है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा, रसायन कहलाएगा। रसायन विज्ञान की शुरुआत 17वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन पहले रसायन विज्ञान को विज्ञान न मान करके इसे कला और शिल्प के रूप में जाना जाता था, क्योंकि रसायन विज्ञान का उपयोग उस समय हम अध्ययन के लिए नहीं कर रहे थे, हम कला और शिल्प के क्षेत्र में इसका अध्ययन कर रहे थे। हमें खुद ही नहीं पता था कि आगे चल के केमिस्ट्री विज्ञान की एक अलग शाखा बनकर उभरेगा। रसायन विज्ञान को देखा जाए तो रस प्लस आयन में आप तोड़ सकते हैं। रस का मतलब होता है द्रव, द्रवों का विज्ञान या फिर द्रवों का अध्ययन हम कहलाता है, हम द्रवों के अध्ययन को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो सब आप सभी जानते होंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर इस बात की खोज आप करने जाएंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किमी शब्द से हुई है, जो एक यूनानी वर्ड है जिसका मतलब होता है धातु निर्माण की यूनानी तकनीक। इसका एक और मतलब भी होता है कि एक परस्पर एक दूसरे से मिलना, यानी कि कोई भी धातु एक दूसरे से मिलता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। धातुओं की निर्माण की यूनानी तकनीक को हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ये यूनानियों के अनुसार है। अब चीनी सभ्यता के अंतर्गत देख लीजिए, चीन वाले भी इसको अपने वर्ड में किमी से रूप से लेते हैं। अब किमी जो है यहाँ पे उसका अर्थ उन्होंने बताया कि धातु रूपांतरण की कला। रसायन विज्ञान देखिए इस सबका मतलब सेम आएगा, ये जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं सबका मतलब एक है, कहीं ना कहीं इन सभी में एक लिंक आपको मिलेगा। जैसे अभी किमी वर्ड में हमने देखा कि किमी वर्ड चीन से आया है और चीन में इसके लोग मतलब क्या समझते हैं, धातु निर्माण की कला। अब किमी शब्द एक अरबी और ग्रीक में भी कहा जाता है, जहां पर ग्रीक और अरबी वाले लोग ये समझते हैं इसका मतलब होता है सोना गलाना। किमी वर्ड वही है, किमी यूनानी वाले कहते हैं धातु निर्माण की यूनानी तकनीक, और चीन वाले कहते हैं धातु रूपांतरण की कला। वहीं जबकि अरबी और ग्रीक के लोग कहते हैं इसका मतलब होता है सोना गलाना। वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो किमी वर्ड है वो स्पेनिश के अल्किमी से लिया गया है, अल्किमी से लिया गया है जिसका मतलब होता है रूपांतरण। और जो ये अल्किमी है ये आया है अरबी वर्ड अल्किमिया से, किससे आया है, अल्किमिया से। वैसे विश्व में तो हम रसायन विज्ञान की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन अगर हम जानेंगे भारत में रसायन विज्ञान की शुरुआत कब हुई, तो देखिए भारत का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट बहुत पुराने समय में ही आ चुके थे जिनकी खोजों को आज वैज्ञानिक मान रहे हैं। जैसे कणादृशि हो गए, कणादृशि पहले ही बता चुके थे कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता है, तो आज जाके सबको पता चला। ऐसे ही है, बहुत सारी मान्यताएं हैं। केमिस्ट्री का शुरुआत भारत में बहुत पहले से ही हो चुका था, जब हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस समय 4000 ईसा पूर्व से ही हम केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके थे। कहा जाए इसका उदाहरण क्या है आपके पास, तो आप दिल्ली में लौह स्तंभ को देख लीजिए, आज भी वो लौह स्तंभ वैसे का वैसे ही खड़ा है, उस पर कोई जंग भी नहीं लगता है, मौसम का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो किसकी देन है, वो केमिस्ट्री की ही देन है। ये भारत की केमिस्ट्री है कि आज तक उस लोहे पर जंग नहीं लगा है। एक और बहुत बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है बौद्ध की ताम्र प्रतिमा, वो भी रसायन विज्ञान का ही एक चमत्कार है। हम भारतवासी रसायन विज्ञान को या फिर किसी भी विज्ञान को बहुत ही अच्छे से समझने की पूरी तकनीकी रखते हैं अपने पास। तो ये था रसायन विज्ञान का इतिहास। चलिए अब जान लेते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग कैसे करते हैं।
जब हम अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तब से लेकर हम रसायन का उपयोग अपने जीवन में शुरू कर देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको बहुत ज्यादा प्रेम आता है, उस समय भी रसायन आपकी बॉडी में तरह तरह के प्रयोग करता रहता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को रसायन विज्ञान का प्रयोगशाला कह दिया है, जहाँ पर रसायन तरह तरह के प्रयोग खुद करता रहता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है, तो सूरज का निर्माण यानी कि सूरज के अंदर लगातार ऊर्जा बनने की जो विधि है वो केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। और सूरज 5 अरब वर्ष से लगातार ऊर्जा दे रहा है ना, तो 5 अरब वर्ष से लगातार ऊर्जा देने के दौरान उसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लगातार अभी भी ऊर्जा दे रहा है। तो किसकी देन है? ये रसायन विज्ञान की देन है। तारों का निर्माण कैसे हुआ? तारों के निर्माण में भी रसायन विज्ञान की देन है। ग्रहों के ऊपर जीवन संभव हो पाया ये भी किसका देन है? ये भी रसायन विज्ञान की ही देन है। जब आप सुबह की शुरुआत अपने चाय के साथ करते हैं, तो जिस चाय को आप बनाते हैं चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, तरह तरह के और इंग्रेडिएंट डालते हैं और उसको उबालते हैं, तो वो जो मिश्रण आप तैयार करते हैं वो क्या है? वही तो आपकी केमिस्ट्री है। रसायन विज्ञान आपके बॉडी के अंदर भी काम करता है। अभी जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ सोचना चालू कर दिया, तो जब आप कुछ सोचेंगे तो प्रति सेकंड आपके माइंड में 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अब बताइए अगर हमारे माइंड में उतने केमिकल रिएक्शन नहीं होते तो हमारा न्यूरॉन्स काम करना भी बंद कर देते। तो यही रीजन है कि हम दैनिक जीवन में रसायन को इतना ज्यादा उपयोगी मानते हैं। जब आप किसी चीज को टच करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप उस चीज को टच कर रहे हैं। आप कोई चीज सुगंध लेते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ आप सुगंध ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी चीज जो आप महसूस करते हैं वो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ही संभव हो पाता है कि आप उस चीज को महसूस कर पाते हैं। अगर आपकी बॉडी में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती तो ना आपको खाना पचता, ना आप सोच पाते, ना तो आप देख पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी पदार्थ के अंदर रसायन उतना ही भाग करता है जितना कि उस पदार्थ के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स। रसायन विज्ञान हर एक पदार्थ के अंदर है, हर एक चीज के अंदर मौजूद है। कोई भी चीज कैसे काम करता है, उसकी आंतरिक चीज कैसे काम करती है, यह रसायन विज्ञान की ही देन है। चलिए अब रसायन विज्ञान की कुछ विशेष शाखाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान अब तो इतना विकसित हो चुका है, इसको कई उपशाखाओं में बांटकर इसका अध्ययन करना पड़ रहा है। रसायन विज्ञान के असाधारण विकास को देखते हुए रसायन विज्ञान को कई उपशाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अकार्बनिक रसायन के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। देखिए अकार्बनिक रसायन सभी तत्वों का रसायन है, सिर्फ कार्बन तत्वों को छोड़कर के। आवर्त सारणी में जितना भी तत्व आप पढ़ते हैं, 118 तत्व इसका अध्ययन आप करते हैं, उन सभी तत्वों के बारे में, उन सभी तत्वों से बने यौगिकों के बारे में, उन सभी का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। सिर्फ हम कार्बन तत्व को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास तत्व हैं, उन यौगिक हैं, उन सभी का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। देखिए कार्बन के अध्ययन के लिए एक अलग से उपशाखा बनाई गई है, जिसे हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। कार्बन के अब तक लाखों यौगिक अस्तित्व में आ चुके हैं, इसीलिए इनकी अध्ययन की सुविधा के लिए कार्बन का एक अलग विज्ञान की शाखा बना दिया गया, जिसे हम कार्बनिक विज्ञान या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। कार्बनिक विज्ञान के अंतर्गत हम सिर्फ कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जबकि अकार्बनिक विज्ञान के अंतर्गत हम कार्बन को छोड़कर बाकी सभी का अध्ययन करेंगे, बस कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो ये दोनों हैं आपके पास, ये दोनों मुख्य शाखाएं हैं। थोड़ा इनमें अंतर समझने की कोशिश करिएगा। अकार्बनिक का मतलब होता है इसके अंदर कार्बन नहीं हो, कार्बनिक का मतलब जिसके अंदर कार्बन हो। रसायन विज्ञान की एक अलग उपशाखा आती है, जैसे हम भौतिक रसायन या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वैसे आपको तो ये पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनके अंदर कुछ न कुछ फिजिकल परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन भी आएंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उसके अंदर से थोड़ा सा हीट भी निकलेगा, जैसे कंबसन, कोई चीज जलाते हैं तो वहां से आग निकलती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट क्या है? वो फिजिकल में हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो फिजिकल लॉ होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं भौतिक रसायन या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्शन कर रहे हैं या फिर अन्य अन्य चीजों के बारे में, इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। अगला जो इसकी उपशाखा है वह है आपका विश्लेषिक रसायन, जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखिए कोई भी तत्व ले लीजिए या फिर कोई भी यौगिक ले लीजिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पानी H2O, तो पानी का सूत्र आपको कैसे पता चला कि पानी का सूत्र H2O ही होगा? तो ये देन है
विश्लेषक रसायन की, एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से ही हम किसी भी तत्व के अंदर उनके मॉलिक्यूल्स की पहचान कर पाते हैं, यानी कहा जाए पदार्थों के प्रकृति की पहचान हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत ही हमें पता चल पाता है कि उस पदार्थ की मात्रा क्या है या फिर उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से तत्व के मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। अगला हमारे पास आता है औद्योगिक रसायन, जिसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। औद्योगिक का मतलब आप तो समझ रहे हैं, उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए साबुन बनाना है, साबुन तो दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सबसे सरल वस्तु है कि हर कोई उसको यूज करता है, तो उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी। तो साबुन एक दो तो कंपनी वालों को बनाना ही नहीं रहता है, बहुत ज्यादा बनाना रहता है, इसीलिए हम वहां पर यूज करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम औद्योगिक स्तर पर बनने वाले वस्तुओं को की रसायन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वो किसके अभी जो आप तो वो आता है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही ये संभव हो पाया कि आज पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के पास उसकी सुविधाएं वाली वस्तुएं पहुंच पाती हैं। डिटर्जेंट से लेके आपका मंजन से लेकर के या फिर जितने भी चीजें हैं जो औद्योग क्षेत्र में निर्माण किया जाता है, वो सभी देन है औद्योगिक केमिस्ट्री की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। अगला जो रसायन विज्ञान की उपशाखा है वह जैव रसायन, जिसे बायो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, हम जीवों के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं एवं जीवों से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जीव जिस तरीके के पदार्थ निकालते हैं उनका अध्ययन भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, और उनके अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन भी हम जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। रसायन विज्ञान की अगली उपशाखा हमारे पास आती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसे हम कृषि रसायन के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं, यानी खेतों में खाद डालना हो या फिर खेतों में पौधों को विकास के लिए नए नए दवाइयां बनाना हो, तो सभी चीजों का अध्ययन हम करेंगे कृषि रसायन के अंतर्गत। अगला जो उपशाखा है रसायन विज्ञान का वह है पर्यावरणीय रसायन, जिसे हम इंग्लिश में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। पर्यावरण रसायन में हम पर्यावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या फिर पर्यावरणीय रसायन। अगला जो केमिस्ट्री की उपशाखा है वह है हरित रसायन, जिसे हम ग्रीन रसायन के नाम से जानते हैं। देखिए हरित रसायन ग्रीन रसायन में अंतर्गत हम उसी चीज का अध्ययन करेंगे जो प्रदूषण को कम करे। कहने का मतलब यह हुआ कि वायुमंडल में या फिर पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषणों को कम करने के लिए जिस प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं हरित रसायन या फिर ग्रीन केमिस्ट्री। लास्ट जो अभी मेन उपशाखाएं लिए हैं, बहुत सारी उपशाखाएं होती हैं, अभी जो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री की नई नई थ्योरीज बनाते हैं, ठीक है। अभी केमिस्ट्री के बहुत सारे और उपशाखाएं भी हो सकती हैं, हो सकती नहीं है, जैसे भू रसायन, खगोल रसायन, बहुलक रसायन, क्लस्टर रसायन, आहार रसायन, सामान्य रसायन, नैनो रसायन, ठोस रसायन, ऊष्मा रसायन। देखिए रसायन विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका विकास भी उतने ही तेजी से लगातार होता जा रहा है, ठीक है। हर एक चीज में रसायन है, फिजिक्स में भी रसायन है, बायो में रसायन है, हर जगह रसायन है। यहाँ तक कि आप नैनो टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ते हैं उसी का एक और रसायन हम पढ़ते हैं जिसे हम नैनो रसायन के नाम से भी जानते हैं। आप ठोस का केमिस्ट्री, ठोस का फिजिक्स पढ़े होंगे, यहाँ पर हम ठोस का केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। आप ऊष्मा का फिजिक्स पढ़े होंगे, हम यहाँ पर ऊष्मा का केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। यानी कि जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों के अंदर केमिस्ट्री का उतना ही योगदान है जितना बाकी विज्ञान की शाखाओं का योगदान है। चलिए अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि केमिस्ट्री में पदार्थ को किन किन अवस्थाओं में बांटा गया है और इन अवस्थाओं का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। चलिए पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वैसे अगर देखा जाए पदार्थ की तीन अवस्थाएं ही मुख्य होती हैं। पहला हमारे पास होता है ठोस, दूसरा आप द्रव पढ़े होंगे, और तीसरा गैस होता है। ये पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं जिनके बारे में आप बहुत पहले से अध्ययन कर चुके होंगे। देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था भी ज्ञात है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और एक पांचवी अवस्था भी होती है जिसे हम BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। देखिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप पहले से पढ़ चुके होंगे, ठोस द्रव गैस क्या होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर उनके अणु बहुत पास पास बंधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ठोस ले रहे हैं तो उस ठोस के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होंगे, जो उसके अणु होंगे, उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, इसी वजह से वो ठोस कहलाते हैं, ठीक है। और द्रव में इसी का थोड़ा सा विपरीत होता है कि द्रव जो होता है उनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी होती है, वहीं गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होती है, ठीक है।
हाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठोस वास्तव में किसे कह सकते हैं, द्रव किसे कह सकते हैं, गैस किसे कह सकते हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, अगर हम इस व्हाइट बोर्ड के अंदर अपना हाथ ऐसे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो हाथ अंदर नहीं जा रहा है। रीजन क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इस बोर्ड के अंदर के, वो बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड है, इसी वजह से इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है कि हम इसके अंदर अगर अपना हाथ या फिर कोई चीज अंदर इसके डाल रहे हैं, इसके अंदर कोई भी चीज देना चाह रहे हैं, तो वो नहीं जा पाएगा। रीजन क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, जब गैप नहीं होगा दो चीजों के बीच में तो उनके बीच में से कोई चीज जा ही नहीं सकती है, ये इसे ही हम ठोस कहते हैं। इसी का विपरीत द्रव में होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पानी लेते हैं, पानी के अंदर अगर अपना हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ पानी के अंदर चला जाएगा। रीजन क्या है कि पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी जो दूरी बढ़ चुकी है, इसी दूरी की वजह से हम उसके अंदर अगर अपना हाथ डालते हैं तो हाथ अंदर चला जाता है। अब जो तीसरा स्टेट है पदार्थ का, गैस है। अभी मान लीजिए हम खड़े हैं, अभी अपने हाथ को इधर उधर कर रहे हैं तो मेरा हाथ मूव करने में बहुत ही आसानी से मूव कर जा रहा है, थोड़ा सा फोर्स नहीं लग रहा है। रीजन क्या है कि हमारे चारों तरफ वायु के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से हम अपना हाथ बहुत ही आसानी से हिला पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और चल पा रहे हैं। वहीं अगर आपको कभी जब पानी के अंदर चलने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हवा के अंदर नहीं फोर्स लगाना पड़ता ज्यादा। रीजन क्या है कि हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। देखिए जो पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ये प्लाज्मा जो होता है वो आयनों का बना होता है। इसका बना होता है आयनों का। अभी आयन क्या होते हैं, प्लस माइनस चार्ज आप पढ़े होंगे, ठीक है, इन्हीं का बना होता है प्लाज्मा। जैसे आकाशीय बिजली आप देखे होंगे, तो आकाश में जब बिजली चमकती है बारिश के दौरान, वो बिजली का जो चमक है वही क्या है, प्लाज्मा है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। इससे मान लीजिए बिजली का कोई तार आप लेते हैं और दोनों तार आपस में से आप टच करते हैं तो वहां से चिंगारी निकलती है, वहां से एक आयनों का एक थोड़ा सा विस्फोट निकलता है, वही आयनों का विस्फोट क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। इसे हम पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। पदार्थ की एक पांचवी अवस्था है जिसे प्रयोगशाला स्तर पर जांचा जाता है, जिसे हम BEC कहते हैं। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये आइंस्टाइन और भारतीय वैज्ञानिक बोस ने दोनों ने मिलकर इस पदार्थ का निर्माण किया है, ठीक है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब ये है पदार्थ की अवस्थाएं, लेकिन पदार्थ को बांटा कितने भागों में जा सकता है, ये तो पदार्थ की अवस्थाओं की बात हो गई। तो देखिए पदार्थ को हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं। ये कौन कौन से भाग है देखते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में हम सबस्टेंस कहिए या फिर मैटर कहिए, सबस्टेंसेस, ठीक है। पदार्थ के दो भाग होते हैं, इन्हें फिर दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हमारे पास आता है विषमांगी, क्या आता है, विषमांगी। दूसरा हमारे पास आता है समांगी। विषमांगी को हम इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस। उसके बाद समांगी को हम कहते हैं होमोजीनस, होमोजीनस, ठीक है। विषमांगी और समांगी, देखिए पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, हेट्रोजीनस होमोजीनस, जिसे हम विषमांगी या फिर समांगी कहते हैं। अब ये भी समझ लीजिए विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं या फिर समांगी पदार्थ क्या होते हैं। विषमांगी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर उस पदार्थ के अलग अलग भाग मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं तेल, हम ले लिया ऑयल, तेल ले लिया और पानी, तेल और पानी को चलिए दोनों को मिलाते हैं आपस में, क्या दोनों आपस में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, वो एक दूसरे में अमिश्रणी द्रव है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कहते हैं, फिर विषमांगी कहते हैं। इसमें कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप धुआं ले सकते हैं, आप बादल ले सकते हैं, आप जलवाष्प ले सकते हैं, ये सब इसके उदाहरण है विषमांगी के। आप यहां भी मिट्टी भी ले सकते हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल जो है वो विषमांगी के हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो दो पदार्थ जब मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं और दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं विषमांगी पदार्थ। जैसे तेल और पानी कभी एक दूसरे में मिलता भी नहीं है, अगर हम मिलाने की कोशिश भी करें तो दोनों में एक दूसरे के रूप में अमिश्रणी द्रव के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे विषमांगी पदार्थ कहते हैं। अब हमारे पास आता है समांगी पदार्थ। देखिए समांगी पदार्थ क्या होता है, समांगी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर पदार्थ का एक ही भाग मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, सोना ले लिया, तो इन सभी के अंदर
सिर्फ पदार्थ का एक ही भाग मौजूद है। सिल्वर के अंदर सिर्फ सिल्वर होगा, कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर होगा, सोने के अंदर सिर्फ सोना होगा, यानी कि इनके अंदर के जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स हैं। सोने के अंदर सिर्फ सोने के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, चांदी के अंदर सिर्फ चांदी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, इसीलिए इसे हम समांगी कहते हैं, होमोजिनस कहते हैं। अब देखिए जो समांगी पदार्थ है इसको हम बांटते हैं फिर से दो भागों में। अब इन समांगी पदार्थ को हम फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं? ये दो भाग हैं आपके विलयन, एक है आपका शुद्ध पदार्थ, विलयन और शुद्ध पदार्थ। विलयन को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, शुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं प्योर सबस्टेंसेस। ऐसे आप समझ जाइएगा, प्योर सबस्टेंसेस, ठीक है। अब विलयन और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए समांगी का मतलब समझ गए ना कि उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु और अणु उपस्थित होंगे, बस वहीं से इसके आगे हम डिफिनेशन आगे बनाते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। देखिए विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन, जब किन्हीं दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है और दोनों आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम कहते हैं विलयन। कहने का मतलब विलयन किसी दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं विलयन। जैसे मान लीजिए पानी ले लिया हमने और पानी में हमने चीनी मिला दिया, तो चीनी पानी का मिश्रण तैयार हो गया। हाँ, लेकिन चीनी के अंदर पानी या फिर पानी के अंदर चीनी पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इसी वजह से इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं या फिर समांगी विलयन कहते हैं या फिर सिर्फ विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन क्या होता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यानी कि किन्हीं भी दो पदार्थों को आप मिलाइए और मिलाने के बाद वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाए, वही कहलाता है विलयन। विलयन की सामान्य अवस्था देखा जाए द्रव अवस्था ही होता है, क्योंकि हम द्रव पदार्थों को मिला करके विलयन ही बनाते हैं। अब आ गया शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनके अंदर उन्हीं के मॉलिक्यूल्स और एटम प्रेजेंट होंगे। शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, पहला हम बांटते हैं तत्व में और दूसरा हम बांटते हैं इसे यौगिक में। किसमें? तत्व में और यौगिक में। अब देखिए तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। साइंटिफिक डिफिनेशन अगर तत्व का देखा जाए, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणु से, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए सोना ही ले लीजिए, चलिए चांदी ही ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, आप फेरस ले लीजिए, जो भी एलिमेंट है ले लीजिए, सभी तत्व। अभी देखिए जो कॉपर है, इस कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर के ही परमाणु उपस्थित होंगे, इसलिए क्या है, तत्व है। कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम के अंदर सिर्फ कैल्शियम के ही तत्व उपस्थित होंगे, कैल्शियम के ही परमाणु उपस्थित होंगे, इसलिए क्या कहलाता है, वो तत्व कहलाता है। लोहा ले लीजिए, लोहे के अंदर सिर्फ लोहे के परमाणु उपस्थित होंगे, इसलिए वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए सभी पदार्थ तत्व हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यौगिक क्या होता है। देखिए कोई भी तत्व, दो तत्व आपस में या फिर दो या से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं यौगिक। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं। अभी यौगिक बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि दो तत्व आपस में मिल ही जाए, ठीक है। कभी भी जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं और निश्चित अनुपात में मिल करके ही यौगिक बनता है। यानी कि एक तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि यौगिक क्या होता है, तो यौगिक के अंदर तत्व तो उपस्थित होता है, दो तत्व मिलेंगे तो यौगिक बनेगा। यानी कि आप कह सकते हैं तत्व किसी और तत्व से मिलेगा तो क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। लेकिन ये यौगिक ऐसे थोड़ी बन जाता है। मान लीजिए हम लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, दोनों मिलकर के पानी बना दिया, चलिए पानी यौगिक है, ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो क्या इस वाटर के अंदर, ये जो वाटर आपको दिख रहा है, क्या इस वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स वैसे जुड़ गए हैं? नहीं, यहाँ पर आप इसके सूत्र में ही देख सकते हैं, हाइड्रोजन दो चाहिए और ऑक्सीजन कितना चाहिए, एक चाहिए। कहने का मतलब दो हाइड्रोजन के साथ ही एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक निश्चित अनुपात है ना इनके अंदर, यानी कि दो संबंधी एक का अनुपात इनके अंदर देखा जा रहा है, यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये क्या रीजन हुआ। हमने कहा वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यौगिक वही होता है जिनके अंदर तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये भी समझा देते हैं थोड़ा सा कि आखिर में ये दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन के हैं। देखिए
जैसे सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको इसके वैलेंसी सीखना पड़ेगा। देखिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, यानी कि एक और हाइड्रोजन की इसको जरूरत पड़ेगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस तरीके से आपका दो एच हो गए और एक ओ हो गया, इसी तरह आपका एच टू ओ बनता है। यानी कि ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और दो हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमेशा एच टू ओ बनता है। ठीक है, अभी इसको बैलेंस करने के लिए आगे आप दो लगा सकते हैं। तो ये है यौगिक। ठीक है, अब चलिए रसायन विज्ञान में कुछ होने वाले भौतिक परिवर्तनों, रासायनिक परिवर्तनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पदार्थों के अंदर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब अगर आपको जानना है तो समझ लीजिए किसी पदार्थ के अंदर नहीं बाहर होने वाला परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन, और किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाला परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में जैसे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए गलना, गलना का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग आपका भौतिक परिवर्तन है। आप देख सकते हैं वाष्पन, वाष्पन का मतलब हो गया इवेपोरेशन। आप देख सकते हैं जमना, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। आसवन, इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। आप एक देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जिसे हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के बाहर होने वाला परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे आ गया गलना, तो कोई भी पदार्थ जब गलता है तो वो उसके अंदर होने वाला भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ, तो बर्फ जब गलता है तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। बर्फ पहले ठोस रहता है और धीरे धीरे गल के द्रव बन जाता है, यानी कि उसकी अवस्था में होता है परिवर्तन, इसलिए हम उसको रखते हैं भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी भी पदार्थ के बाहर होने वाला परिवर्तन। वाष्पन, कोई पदार्थ भाप बन के उड़ जाता है तो वो उसके अंदर होने वाला भौतिक परिवर्तन है, यानी कि बाहर से हो रहा है परिवर्तन, इसलिए उसे हम वाष्पन को भी हम भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए जमना, फ्रीजिंग, मान लीजिए पानी को हम जमा रहे हैं, तो पहले पानी द्रव है, फिर जब जमेगा तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, वह कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो मतलब इतना समझिए कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी भी पदार्थ के बाहर होता है परिवर्तन, यानी किसी पदार्थ के बाहर होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। अब ठीक इसी के विपरीत किसी पदार्थ के अंदर होने वाला परिवर्तन होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए जलना, कंबशन, आप कह सकते हैं जंग लगना, रस्टिंग, आप कह सकते हैं किण्वन। अब इन सब में क्या है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है किसी पदार्थ के अंदर तो वो उसके अंदर होता है परिवर्तन। कहने का मतलब, आप जलना लीजिए, कोई भी चीज जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या बचता है, राख बचता है, यानी कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो जब किसी पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और किसी पदार्थ के बाहर परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसे आप कई तरीके से और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ की अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी पदार्थ की अवस्था के अंदर उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर परिवर्तन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, मॉलिक्यूल्स के बाहर परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। ये है आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। एक और परिवर्तन है जिसे हम नाभिकीय परिवर्तन भी कहते हैं। अब ये नाभिकीय परिवर्तन या फिर नाभिकीय रसायन क्या है, एक है नाभिकीय रसायन। अब नाभिकीय रसायन में क्या देखना है आपको, देखिए अभी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमने देखा ना, भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ के बाहर होता है और रासायनिक उसके अंदर होता है। इसी का एक अन्य रूप है नाभिकीय रिएक्शन या फिर नाभिकीय अभिक्रिया या फिर नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन में कोई भी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है, कहने का मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु का उत्पन्न होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, और उसे हम रासायनिक रसायन नाभिक के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है रेडियम, क्या है रेडियम, रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88, इसका एटॉमिक वेट होता है 226। तो रेडियम का जब हम रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाता है रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 86, एटॉमिक वेट होता है 222, और प्लस यहाँ पे बनता है हीलियम का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि जब
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु से नए परमाणु का उद्भव होता है, नया परमाणु बनता है, उसे हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया या फिर उसे हम नाभिकीय रसायन कहते हैं। नाभिकीय रसायन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बनाए जा सकते हैं कृत्रिम विधियों से। ठीक है, उम्मीद है आपको सम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ और उस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।